हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ योर एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अपनी मोस्ट अवेटेड जो सीरीज़ मेरी चल रही है मैनेजमेंट की, उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन का। ये चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का टॉपिक है बच्चों। और इससे पहले मैंने आपको काफ़ी हद तक टॉपिक ऑलरेडी करवा दिए हैं और ये दिस चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश वेरी वेरी सून। बहुत जल्दी चैप्टर फिनिश होने वाला है। मैंने आपको सारी चीज़ें इसके ऑलरेडी करवा दी हैं। आज ये चैप्टर मैं आपका फिनिश कर दूँगी। आज मैं आपको दो चीज़ें करवाऊँगी इस चैप्टर में। मीन्स हमारे दो टॉपिक रहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आज मैं वो दोनों आपके कंप्लीट करवा दूँगी, फिर उसके बाद कल से आपकी मैं करवाऊँगी। पहले तो मैं आपके इसके वन शॉट वीडियो डालूँगी। मतलब मैंने आपको डिटेल में जो सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए, मैं आपको वन शॉट वीडियो डालूँगी। और वन शॉट वीडियो मतलब जो आपकी वीडियो में आपका एक वीडियो में फुल चैप्टर कम्प्लीट, अब मैं आपका वो वीडियोस डालूँगी। दो ही मैंने अभी 12th की सीरीज़ के दो ही चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, जो कि है मेरा अकाउंटेंसी का और बिजनेस स्टडीज़ का। तो उन दोनों के मैं आपको वन शॉट वीडियो डालूँगी, फिर उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज केस स्टडीज़ वगैरह करेंगे, ठीक है बच्चों? ताकि आपको कहीं से भी कहीं तक पूरे कंटेक्स्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों लेट्स प्रोसीड विद अवर वीडियो। यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये क्या होता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सिंक्रोनाइज करता है सारे एफर्ट्स को, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी फंक्शंस और मैनेजमेंट होता है, उन सब में एक रिलेशन बैठता है। रिलेशन कैसा बैठता है? ऐसा बैठता है कि आप अपनी सारी जो गोल होते हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो, वो आप अचीव कर लेते हो आराम से। बेसिकली ये एक दो सारी एक्टिविटीज़ के बीच में तालमेल बिठाता है, ये सारी एक्टिविटीज़ के बीच में तालमेल बिठाता है, जिससे कि आपकी कोई भी लॉस ना हो और आप अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द अचीव कर पाए, ठीक है? अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? अगर आपने अभी तक इसकी वो नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी जो कि है हमारी बेसिकली मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन की, तो पहले आप जाइए और जाके उन वीडियो को देखिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब हम देखते हैं इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या होती है। पहला होता है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कोऑर्डिनेट करोगे, एक दूसरे में रिलेशन बना के रहोगे, अगर आप हर चीज़ों को प्रॉपरली एलोकेट करोगे, अगर आपका लेस यूटिलाइजेशन मतलब आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, कोई भी आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, तो आपका क्या होगा? इन सब चीज़ों से आपकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ का सबसे बड़ा फंडा क्या होता है या फंडामेंटल एलिमेंट क्या होता है ग्रोथ का? ग्रोथ का एलिमेंट होता है कि आपका जो भी काम हो उसको अच्छे से हो, आपकी कंपनी की गुडविल हो, आप अपनी कंपनी की गुडविल को जनरेट कर पाओ। और इसी के साथ साथ और क्या हमारी इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें कि आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सको। सबसे ज़्यादा आपको ने पढ़ा होगा ये सर्वाइवल का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रॉफिट। कोऑर्डिनेशन सारी वेस्टेज को रिमूव करते हैं, हर पर्सन को एलोकेट करते हैं वो किस लिए इस कंपनी में आया, उस चीज़ को दर्शाती है, उस चीज़ को देखती है, कंसीडर करती है, उसको उसकी ड्यूटी देती है। जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है वो रिमूव करती है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जनरेट करती है, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर्सन अचीव करते हैं। वेस्टेज रिमूव होती है और पर्सन की प्रॉफिट इंक्रीज होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करने में मार्केट में सक्सेसफुल होती है, ठीक है? हम इसके थोड़े नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड्स करेक्ट डायरेक्शन टू द एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एक एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करते, सही रास्ता दिखाती है, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रॉफिट इन अ कंपनी। जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट के इंक्रीज होने में कंपनी के, एंड डूइंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी, और कंपनी का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट? मतलब पूरा डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट कंपनी का हो जाता है, ठीक है बच्चों? सेकेंड पॉइंट इज इट एंश्योर्स प्रॉफिटेबिलिटी विच रिजल्ट्स इन ग्रोथ एंड लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी। ये प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में हेल्प करती है। प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने का क्या मतलब होता है? ये एंश्योर करती है कि आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आप लॉन्ग टर्म कंपनी में सर्वाइव कर सकते हो या करोगे, ठीक है बच्चों?
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि कोऑर्डिनेशन ग्रोथ इन साइज करने में कैसे हेल्प करती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इन साइज। और क्यों ग्रोथ इन साइज? बिकॉज ये आपका अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन मींस दैट यू कैन बी एबल टू क्लासिफाई योर एक्टिविटीज इनटू प्रॉपर हेड्स एंड यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर ड्यूटी और व्हाट इज योर वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और व्हाई यू आर हायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप कंपनी में आए हो तो क्यों आए और आपकी कंपनी में आने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, इस चीज़ को एलोकेट करना भी कोऑर्डिनेशन का काम नहीं होता है। ये डिफरेंशिएशन क्रिएट ऐसे करती है, ये सब लोगों को बताती है कि तुम्हारी क्या ड्यूटी है, व्हाई आर यू हियर, तुम यहाँ पे क्यों हो, क्यों आए हो, व्हाट्स योर ड्यूटी, ये वो बताने में हेल्प करती है। बेसिकली इट क्रिएट्स डिफरेंशिएशन एज इट क्लासीफाई ऑल द एक्टिविटीज प्रॉपरली एंड इट टेंड्स टू डू द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज सो दैट वेस्टेज इज रिमूव्ड एंड एफिशिएंसी इज इंक्रीज इन द कंपनी। कंपनी में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। ऑर्गेनाइजिंग हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, जो कि हमारा सेकेंड नंबर पर आता है। वो मैं आपको जब उसकी वीडियो बताऊँगी तब बनाऊँगी तब बताऊँगी। बेसिकली आपकी कोऑर्डिनेशन डिफरेंशिएशन क्रिएट ऐसे करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करते हैं इनटू हेड्स एंड सब हेड्स और ये बताती है कि हर एक कंपनी में हर एक पर्सन का क्या भूमिका है, क्या काम है, क्यों वो आया है, क्या उसे करना है। ये एक ना ग्रुप एफर्ट्स को जनरेट करती है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन। इंडिविजुअल पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, नहीं, इन अ कंपनी इंडिविजुअल गोल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज मोर इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ कंसिडर्ड एज मोर इम्पॉर्टेंट। कंपनी हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में लगी रहती है। एक कंपनी का मेजर मकसद होता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय प्रॉपर असाइनिंग द ड्यूटीज़। कोई आपसे पूछे कि कोऑर्डिनेशन हमारे डिफरेंशिएशन क्यों क्रिएट करती है, तो आप इसका आंसर दो कि कोऑर्डिनेशन क्रिएट डिफरेंशिएशन बिकॉज इट क्लासीफाई द एक्टिविटीज़ और इट डिस्टिंग्विश द एक्टिविटीज़ बिटवीन द पर्सन इन अ प्रॉपर वे या प्रॉपर मैनर। ठीक है बच्चों, लेट्स सी अवर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। देखो अभी मैंने बताया ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, अगर जैसे आपकी डिफरेंशिएशन होगी वैसे ही आपकी ये स्पेशलाइजेशन ग्रेड होगी। कहते हैं ना कि कोई पर्सन एक चीज़ का स्पेशलिस्ट हो। स्पेशलिस्ट होने का क्या मतलब होता है? जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट हो, तो आप ज़्यादा जल्दी आप अपनी बीमारी को क्योर कर सकते हो, आप ज़्यादा जल्दी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है बच्चों? कहने का मतलब ये है कि स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना भी कोऑर्डिनेशन का काम ही होता है। ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एलोकेट करती है, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठाती है और इनके बीच में ये दिखाती है, दर्शाती है दैट व्हाट आर यू डूइंग और हाउ आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और आप जो कर रहे हो, आपके जो एफर्ट्स है, क्या वो सही है या नहीं। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश प्रॉपर रिलेशन बिटवीन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये तो आपको कल की वीडियो देख के पता चल गया होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाओ मेरे प्लेलिस्ट चलाओ और वहाँ पे देख लो, आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, इट क्रिएट्स द स्पेशलाइजेशन इन एवरी फील्ड। ये रिस्पॉन्सिबल होती है हर एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन को जनरेट करने में। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन और स्पेशलाइजेशन क्रिएट करने में। प्लानिंग जो डिपार्टमेंट करती है उनको स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट बनाती है कि आप भाई प्लानिंग ही करो, और प्लानिंग जैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स करते हैं, देन इट क्रिएट्स द स्पेशलाइजेशन दैट यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द प्लान्स और क्रिएटिंग द प्लान्स विच आर स्ट्रेटेजिक फॉर द कंपनी सो दैट द कंपनी कैन बी एबल टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ बाय प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करती है कि ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, ये प्रॉपरली क्लासिफाई करती है एक्टिविटीज़ को एंड पुटिंग इट अंडर द स्पेसिफाइड हेड्स विच लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। देखो कितनी अच्छी लाइन्स है कि कोऑर्डिनेशन स्पेशलाइजेशन जनरेट करती है बाय क्रिएटिंग द स्पेशलाइजेशन एवरी फील्ड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड पुटिंग इट अंडर द स्पेसिफाइड हेड विच लीड्स टू स्पेशलाइजेशन।
स्पेशलाइजेशन को जनरेट करने में आप अपने थिंग्स को प्रॉपरली क्लासिफाई करोगे इनटू डिफरेंट हेड्स एंड सब हेड्स, तभी जाके आपके अंदर एक स्पेशलाइजेशन जनरेट होगी। मींस अगर आप एक चीज़ के स्पेशलिस्ट बनते हो, देखो टॉप लेवल मैनेजर्स का काम प्लानिंग करना होता है, वो एक साथ 5 साल प्लानिंग करेंगे तो वो अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड बन जाएगा। और ये काम कोऑर्डिनेशन का होता है, ये बताना कि तुम्हें ही ये काम करना है या यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस वर्क विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन मेकिंग द पर्सन स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फील्ड। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन के 3 हमारे इंपॉर्टेंस होते हैं, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली। इसकी इंपॉर्टेंस रियली इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कर लेना। अब अपनी कल की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपको बताऊंगी फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के। टिल देन आपके दिमाग में अगर कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जस्ट वॉच माई प्लेलिस्ट विच इज़ देयर इन माई चैनल, कम्प्लीटली वॉच इट, शेयर इट विद मोर एंड मोर फ्रेंड्स सो दैट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मे बी क्लियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। गुड बाय स्टूडेंट्स, सी यू सून।